नमस्कार बच्चों, क्लास सिक्स लेसन वन लर्निंग टुगेदर का हिंदी अनुवाद अर्थात इस पोएम का हिंदी अनुवाद आप प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। अब बारी है कॉम्प्रेंशन क्वेश्चंस की, तो इनको हमने नोटबुक में लिखा है और साथ ही साथ इनके आंसर भी लिखे हुए हैं और क्वेश्चन की हिंदी और आंसर की हिंदी दोनों ही लिखे हुए हैं। हर एक वर्ड के नीचे उसका हिंदी में अर्थ लिखा हुआ है। हम यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और इनको सीखेंगे कि आखिर इनका आंसर कैसे हमें लिखना है, और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ अपलोड की गई है, उस पीडीएफ में आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे और साथ ही साथ इस पोएम के एक एक वर्ड का मीनिंग भी मिल जाएगा। तो बच्चों, हम पहले क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू यू मेक योर टीचर्स बीम। हाउ मीन्स कैसे, यू मीन्स तुम, मेक करते हो योर टीचर्स अपने अध्यापकों को या अपने शिक्षकों को, बीम मीन्स खुश प्रसन्न। तुम कैसे अपने शिक्षकों को खुश करते हो, ये पहला क्वेश्चन है इसमें। अब इसका आंसर देखते हैं। वी मेक अवर टीचर्स बीम बाई डूइंग हार्ड वर्क ईच बिजी डे। ये आंसर भी लिख सकते हो आप और ये आंसर भी लिख सकते हो, दोनों का अर्थ सेम है। वी मेक अवर टीचर्स बीम टू वर्क हार्ड ईच बिजी डे। तो पहले हमने ये जो लिखा है इसको देख लीजिए, इसमें सिर्फ डूइंग हार्ड वर्क इस तरह से लिख दिया है और इसमें टू वर्क हार्ड इस तरह से लिखा है, क्योंकि पोएम के रेफरेंस में ही हमें आंसर यहाँ देना है। वैसे तो आप बनाकर भी आंसर लिख सकते हो कि बाई ओबेइंग अवर टीचर्स, है ना, इस तरह से डूइंग होमवर्क टाइमली हम अपने टीचर्स को बीम कर सकते हैं, खुश रख सकते हैं, लेकिन आपको पोएम के रेफरेंस में आंसर देना है तो हम यहाँ पर इस आंसर को भी लिख सकते हैं और इसको भी। तो आप इसमें से जो आपको इजी लगे आप वो आंसर एक अपनी नोटबुक में लिख लें। तो वी मीन्स हम, मेक मीन्स करते हैं, अवर टीचर्स अपने शिक्षकों को, वी मीन्स खुश, बाई डूइंग करके, हार्ड वर्क कठिन परिश्रम, ईच बिजी डे, ईच प्रत्येक, बिजी डे व्यस्त दिन, ठीक ऐसे ही इसका भी अर्थ है। वी मेक अवर टीचर्स, वी मीन्स हम, मेक मीन्स करते हैं, अवर टीचर्स अपने शिक्षकों को, बीम मीन्स प्रसन्न, और टू वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करके, बिजी डे प्रत्येक, ईच बिजी डे प्रत्येक व्यस्त दिन। और दूसरा देखिए वी क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट न्यू थिंग्स डू यू लर्न एवरी डे। व्हाट मीन्स क्या, न्यू मीन्स नई, थिंग्स मीन्स चीज़ें, डू यू, यू मीन्स तुम, लर्न मीन्स सीखते हो, एवरी डे मीन्स प्रत्येक दिन। तो पोएम में बच्चों से पूछा जा रहा है कि आखिर इस पोएम में क्या बताया गया है कि बच्चे प्रतिदिन कक्षा छः में या क्लास सिक्स में या ग्रेड सिक्स में क्या सीखते हैं। तो वी लर्न रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस एक्सेट्रा, ईटीसी का मतलब एक्सेट्रा आदि, यानी इसके अलावा भी बहुत कुछ सीखते हैं एवरी डे। तो वी मीन्स हम, लर्न मीन्स सीखते हैं, रीडिंग मीन्स पढ़ना, राइटिंग मीन्स लिखना, स्पेलिंग मीन्स बर्तनी, और हिस्ट्री मीन्स इतिहास, जियोग्राफी मीन्स भूगोल, साइंस मीन्स विज्ञान एक्सेट्रा इत्यादि, एवरीडे प्रतिदिन। तो हम प्रतिदिन क्या सीखते हैं, ये इसका आंसर है। और बच्चों इसके बाद देखो जो नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है सी वाला कि नेम द सब्जेक्ट्स यू स्टडी इन योर क्लास, यानी सिक्स क्लास में जो सब्जेक्ट जो विषय आप पढ़ते हो उनके नाम बताओ।
नेम नाम बताइए द सब्जेक्ट्स विषयों के यू स्टडी इन योर क्लास, जो अपनी क्लास में आप पढ़ते हो। तो बच्चों जो आपने पहला क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन पहले क्वेश्चन का आंसर लिखा है यहाँ पर, यानी बी क्वेश्चन का, पहले का नहीं बी का, तो ये आंसर आप ये भी यहाँ पर लिख सकते हो क्योंकि इसमें भी सारे सब्जेक्ट्स आ गए हैं। बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस करके लिखा है क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट मेंशन नहीं है। तो आंसर देखिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एक्सेट्रा, और इनकी हिंदी भी लिखी हुई है यहाँ पर इस तरह से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू एन्जॉय विद योर फ्रेंड्स इन स्कूल। हाउ मीन्स कैसे, यू मीन्स तुम, एन्जॉय मीन्स आनंद लेते हो या मजा लेते हो, विद योर फ्रेंड्स, विद मीन्स के साथ, योर मीन्स अपने, और फ्रेंड्स मीन्स दोस्तों के, अपने दोस्तों के साथ इन स्कूल, स्कूल में कैसे आनंद लेते हो, कैसे मजा करते हो। तो इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है, We enjoy with our friends by playing a game and singing a song। जो पोएम में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग we means हम, enjoy means आनंद लेते हैं, with our friends अपने दोस्तों के साथ, by playing खेल कर, a game एक गेम, and और singing a song एक गाना गाकर। तो बच्चों ये तो क्वेश्चन थे, इसके अलावा आपको बुक में एक एक्सरसाइज दी गई है मैचिंग की, यहाँ पर ये सेकंड, तो इसको हम पेंसिल से आपको करके दिखा रहे हैं। आप अपनी नोटबुक में चाहो तो ये एक्सरसाइज मैचिंग की उतार लें और उसके बाद मिलान कर लें, अन्यथा आप अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं, लेकिन पेंसिल से ही करना, पेन से बुक खराब हो जाती है। ठीक है, देखिए पहला क्या है, सी द बिग स्माइल, सी द बिग स्माइल पोएम आप पढ़ चुके हो। इस वीडियो को देखने से पहले, जो इससे पहले वीडियो है उसको पढ़ें जरूर, उसका अनुवाद जरूर समझें, तभी आप क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ पाएंगे और तभी आप इस मैचिंग को समझ पाएंगे। सी मीन्स देखो, द बिग स्माइल बड़ी मुस्कुराहट, कहाँ कहाँ पर देखना था, ऑन माई फेस मेरे चेहरे पर, बच्चा कह रहा है, क्लास सिक्स ग्रेड में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कह रहे हैं, सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस मेरे चेहरे पर, बी वर्क हार्ड ईच बिजी डे, नाइन टाइम्स नाइन का मतलब नाइन में नाइन का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इज 81। बुक्स टू रीड, किताबें पढ़ने के लिए हैं, और पोएम्स गाने के लिए या बोलने के लिए, रीडिंग राइटिंग, और क्या सीखते थे, स्पेलिंग टू। तो इस तरह से ये मैचिंग है, पोएम की ही लाइन है जो कि अधूरी लाइन है एक तरफ और एक तरफ अधूरी है, दोनों को मिलाकर पूरी लाइन बन रही है। तो इस तरह से बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, और अब इसमें देखो कुछ वर्ड मीनिंग है जो हमने पोएम पढ़ाई थी, तो उसमें वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं एक एक वर्ड के, तो आप इसको पीडीएफ से करोगे तो ज़्यादा क्लियर रहेगा, लेकिन फिर भी हम आपकी आपकी सुविधा के लिए वीडियो में भी ये दिखा रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक के माध्यम से नहीं ओपन कर पाते हैं, तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके भी इन मीनिंग्स को लिख सकते हैं। इस तरह से मीनिंग ज़्यादा ज़रूर हैं, लेकिन बच्चों इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसा है कि आप जितने ज़्यादा मीनिंग याद करेंगे या इनको पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, देखिए अगर ये मीनिंग एक एक मीनिंग आप याद करने बैठ गए तो याद करना कठिन हो जाता है, लेकिन आप अपनी बुक को खोल के बैठें और नोटबुक में ये मीनिंग नोट करके और फिर इसको भी एक साइड से रख लें, और आप अपनी इंग्लिश की जो पोएम है ये बुक है इसको पढ़ते जाइए, और इन मीनिंग्स को आप देखकर हिंदी बनाइए,
तब आप देखना कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितने भी मीनिंग हो, सारे मीनिंग आपको याद हो जाएंगे और आपको एक जादू, एक मैजिक की तरह आपको बुक की जो हिंदी है लेसन की वो भी आ जाएगी। तो इस तरह से ये मैंने भी इंग्लिश को पढ़ना ऐसे ही सीखा था बचपन में, सारे मीनिंग्स ग्रेजुएशन तक, बल्कि इवन पोस्ट ग्रेजुएशन तक हर एक लेसन के सारे मीनिंग याद करते थे, लिखते थे। हमारे जो ट्यूशन टीचर थे वो भी एक एक वर्ड का मीनिंग ग्रेजुएशन तक ही नहीं बल्कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक एक एक वर्ड का मीनिंग हिंदी में या इंग्लिश टू इंग्लिश बताते थे। और आज इसी कारण से आज हम एक गवर्नमेंट टीचर हैं। और अभी छुट्टियों का टाइम चल रहा है तो बच्चों क्लास 4th, 5th, 6th, 7th और 8th की जितनी भी इंग्लिश की नोटबुक हैं उन सब के लेसन का हिंदी अनुवाद और एक्सरसाइज, ठीक इसी तरह से जैसे इस वीडियो में हम आपको सिखा रहे हैं वैसे ही सारी क्लासेस की मिलेंगी। तो आप अपने भाई बहन और दोस्तों सबको बता दो कि अब आपके ट्यूशन टीचर घर पर आ रहे हैं ऑनलाइन, और वो कौन है? विजय लक्ष्मी बेसिक टीचर। तो बच्चों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें, क्योंकि इससे बेहतर, इससे आसान इंग्लिश पढ़ने का कोई भी तरीका नहीं होगा। तो बच्चों आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और बहुत जल्द शेयरिंग एंड केयरिंग इसकी आपको हिंदी मिल जाएगी, अर्थात हिंदी अनुवाद इसका भी हम सीखेंगे और फिर इसके बाद इसकी एक्सरसाइज भी सीखेंगे। धन्यवाद।